भाई देखिए, आपके मन में एक ख्याल जरूर निकल कर आता होगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आखिरकार क्या होता है, ये कैसे बनता है, कैसे बनवाए, क्या क्या इसमें जांच किया जाता है। तो पूरी जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट्स कान तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम दिखा दें आपको, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो फाइनली आपका 1 रुपये में बनता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिए, या फिर आपके पास जो CSC केंद्र यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ से आपको फाइनली बनवा लेना होगा। देखिए भाई, इसमें ज़्यादा कुछ खास रहता है नहीं है आपका, यहाँ पर जो कि है फाइनली देख पा रहे होंगे कि मेरा है 2018 का ये फाइनली मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये 1 रुपया लगता है फाइनली, हम आपको माई डियर फ्रेंड्स बता दें, 1 रुपये इसका जो फीस है वो लगता है। कहीं कहीं पे मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ अलग तरीके से रहता है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में बनवा रहे हैं तो वहाँ पे फीस जो आपकी रहती है वो बिल्कुल ही 1 रुपये रहती है। 1 रुपये का मात्र आपको पर्ची लेना पड़ता है, उसके बाद से आपकी जो सर्टिफिकेट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो फाइनली बनकर रेडी हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ जो है आपका जाँच नहीं किया जाता है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर यानी कि BP आपकी जाँच की जाती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर फाइनली BP देख पा रहे होंगे, उसके बाद से आपका पल्स चेक किया जाएगा, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, उसके बाद से आप हैंडीकैप्ट हैं या फिर नहीं है, सारा डिटेल्स आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बनाया जाता है। और बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर बताइए, हम चश्मा लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं या फिर BTech करने या फिर ITI के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, अनदर किसी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक, BTech और ITI में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपका देखा नहीं जाता है इसमें, ठीक है। फाइनली आपके जो MBBS डॉक्टर वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर उनका सिग्नेचर भी रहता है, मुहर वगैरह भी रहता है और आपका सिग्नेचर भी रहेगा। तो सारा डिटेल्स आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बनता है और कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर बहुत से स्टूडेंट्स भी पर से पूछ रहे हो कि सर प्राइवेट से बनवा सकते हैं या फिर नहीं, भाई प्राइवेट से आप बनाएंगे तो 200 से 300 या फिर कहीं 100 रुपये भी लगता है। तो आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए कि गवर्नमेंट से बने, गवर्नमेंट की बात ही अलग होती है, ठीक है। गवर्नमेंट से बनवा लीजिएगा, आपको परेशानी होगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से जो आप लोगों का फाइनली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बनता है, आपका डेट वगैरह सब रहते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।